राहुल, मैं सोच रही कि ये नौकरी छोड़ दूँ। क्यों, कोई अच्छी नौकरी मिल गई है? अच्छी नौकरी तो तब मिलेगी जब अच्छी पढ़ाई, तब पैसों की तंगी की वजह से कॉलेज बीच में छोड़ना पड़ा और मैं ग्रेजुएशन ना कर सकी। पर अब सोच रही हूँ कि एक बार पढ़ाई पूरी करने के बाद ही नौकरी। यार मेरे साथ भी यही मुसीबत थी, लेकिन मैंने तो इसका रास्ता ढूंढ लिया। क्या? MS कॉलेज में नाइट क्लासेस लगती हैं। मैं तो वहाँ एडमिशन नहीं ले चुका हूँ। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम भी वो नाइट क्लासेस ज्वाइन कर लो, तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी और नौकरी भी बची रहेगी। पर नाइट कॉलेज ठीक रहेगा क्या? क्यों नहीं, तुम आज शाम को खुद ही चल के क्यों नहीं देख लेती? 7 बजे क्लासेस शुरू होती हैं, याद रखना 7 बजे। जल्दी करो, क्लास के लिए लेट हो गए। कम ऑन। यह तो सब ठीक है, सब ठीक है। मैंने कल जो लेसन पढ़ाया था उसके नोट्स आप लोगों ने तैयार कर लिए। Why are you late, राहुल? इतनी देर से क्यों आए? सर ये मेरी दोस्त है अनीता, ये भी इस कॉलेज में पढ़ना चाहती है। सर मेरे पास सारे सर्टिफिकेट्स हैं, मैं 2 साल की कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी हूँ सर। ठीक है, बैठो। थैंक यू सर। मानाई, वो प्रतीश की जगह है, प्रतीश बैठता है। सॉरी सर, मुझे लगा कि डेस्क खाली है। नहीं, ये डेस्क खाली नहीं, वहां प्रतीश के अलावा और कोई नहीं बैठ सकता, समझी? सॉरी सर। ओके क्लास, अपने अपने नोट्स निकालिए। तो कैसा रहा कॉलेज में पहला दिन? मेरा मतलब है पहली रात। ठीक था, पर ये जो सर है ना, ये मुझे थोड़े से पागल लगते हैं। राहुल तुम एक काम करो, मुझे अपने पहले के नोट्स दे दो, मैं कॉपी करके कल सुबह तुम्हें वापस कर दूंगी। यार मैं तो अपनी एक भी नोटबुक आज नहीं लेके आया, मैं सीधा ऑफिस से आ रहा हूँ। तुम एक काम क्यों नहीं करती, किसी और स्टूडेंट से ले लो, इसी बहाने तुम्हारी जान पहचान भी हो जाएगी। हाय, आई एम अनीता। आई एम सॉरी। हाय, क्या आप मुझे अपने पहले के नोट्स दे सकती हैं, वो जो सर पढ़ा चुके हैं? मेरी जादू शहर बाइक की क्लास में रहती, मैं एक मिनट ना दूंगा। इनमें सारे नोट्स हैं, वो जो सर पढ़ा चुके हैं और वो भी जो आगे पढ़ाने वाले हैं।
क्या हुआ अनिता? मैं हूँ। राहुल, यहाँ के स्टूडेंट्स तो एक मिनट में गायब हो गए। इतनी जल्दी चलते हैं कि क्या बताऊँ? ए, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मतलब क्या? नाइट कॉलेज से आ रहे हैं। नाइट कॉलेज? कैसा नाइट कॉलेज? यहाँ तो कोई नाइट कॉलेज नहीं लगता। लगता है तुम ड्यूटी पे हमेशा सोते रहते हो। तुम्हें पता है कॉलेज में क्या चल रहा है? इतने सारे स्टूडेंट्स को यहाँ से जाते हुए नहीं देखा क्या? हाँ, तुम कह रहे हो कोई नाइट कॉलेज नहीं लगता। यहाँ पे नाइट कॉलेज कब से रहने लगा? सारे नोट्स कॉपी कर लो। अरे, सारी कॉपीज कहाँ गई? कैसे हो सकता है? कॉलेज जाते वक्त कॉपीज मैंने बैग में रखी थी। गलती हो गई। क्या हुआ? वो मैंने कल तुमसे नोट्स लिए थे ना कॉपी करने के लिए, वो मुझसे कहीं खो गए। कैसे खो गए? तुमने तो मेरे सामने उन नोट्स को अपने बैग में रखा था। हाँ, रखा तो था, पर जब मैं घर गई तो नोट्स मेरे बैग में नहीं थे। जरा अपना बैग तो दिखाओ। हाँ? ये तो रहे सारे नोट्स। इतने सारे नोट्स देखकर तुमने सोचा होगा इन्हें ही रख लूं। कौन ये सब लिखेगा? नहीं सर। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? चलो, क्लास का वक्त हो गया है। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ द फ्रॉग, मेंढक के शरीर की संरचना। एज यू ऑल नो, फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। चलिए सब लोग पेज नंबर 152 निकल। अनीता, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा। सॉरी सर, मैंने आपका सवाल ठीक से सुना नहीं। पता नहीं क्यों अचानक से मुझे जानवरों की आवाजें सुनाई देने लग पड़ी सर। इन जानवरों की सर, ये जो जार्स में है। ओह, तो तुम्हें अचानक इन मरे हुए जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी। थोड़ी देर में तुम्हें लगेगा कि तुम्हें अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देने लगी। क्लास में ध्यान देना सीखो मिस अनीता। सॉरी सर। रतीश, तुम बताओ। रतीश आज भी नहीं आया। कोई बात नहीं, जल्दी ही आ जाएगा। मुझे सर की आवाज सुनाई नहीं दी, मुझे सचमुच इन जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही। अनीता, मैंने तुमसे क्या कहा?
कहा ना क्लास में ध्यान दो। क्या हुआ अनिता? क्या हुआ? अभी तो हुआ। तुम्हारी शक्ल से लगता है अनिता तुमने कोई भयानक सा सपना देखा है। चलस बताओ हम सब, तुमने क्या देखा? शायद सपना ही था सब। फ्रॉक का बायोलॉजिकल नेम होता है राणा टांगाना। सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट फ्रॉक पर इसलिए की जाते हैं कि उसकी एनाटॉमी। अनिता आज तुम्हें क्लास में क्या हो गया था? मुझे लगता है मैं रात को ठीक से सो नहीं पाई, अजीब अजीब से सपने आते रहे। तुम लोगों को याद है ना, परसों पिकनिक का दिन है, सबको आना है, प्रतीश भी आएगा। पर सर, प्रतीश तो कितने दिनों से क्लास में आया ही नहीं। जानता हूं, लेकिन परसों वो जरूर आएगा, उसे आना ही पड़ेगा। मुझे तो पिकनिक के बारे में मालूम भी नहीं था। लेकिन तुम चल तो रही हो ना? हाँ। चलो मुझे काम है, मैं निकलता हूँ। हाँ, बाय। ओके। सारा, तुम पिकनिक पे आ रही हो? मैं? मुझे तो आना ही पड़ेगा। तुम कहाँ रहती हो? धीरज नगर। अच्छा हुआ, मैं वहां से होती हुई घर जा सकती हूँ। बस मेरे घर से थोड़ा ही दूर है और मैं तुम्हें छोड़ दूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। सारा कैसी बातें कर रही हो? देखो रात बहुत हो चुकी है और मैंने कौन सा पैदल जाना है, गाड़ी में जाना है, जल्दी पहुंच जाएंगे। धीरज नगर ना? पर वहां तो कोई नहीं रहता और ना ही आसपास कोई बिल्डिंग है, वहां तुम कहाँ रहती हो? है, वहां एक जगह है। समझ में नहीं आता, रोज वही लड़का लड़की दिखाई देते हैं, कहते हैं नाइट कॉलेज। आखिर ये नाइट कॉलेज का चक्कर क्या है? अरे ये गेट कैसे बंद हो गया? सबसे अच्छी दोस्ती कर लूंगी। पिकनिक में बहुत मजा आएगा ना? पता नहीं, पिकनिक में जो होने वाला है उसमें तुम्हें मजा आएगा भी या नहीं। तुम जानती हो पिकनिक में क्या होने वाला है? हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। वाओ, गाड़ी यहीं रोक दो। हाँ? मैं यहीं रहती हूँ। अनिता, अनीता, अरे राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम खत्म करके जा रहा था, रास्ते में तुम्हारी गाड़ी देखी, बाइक घुमाई, तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। लेकिन तुम इतनी सुनसान जगह पे क्या कर रही हो? मैं वो सारा को छोड़ने आई थी, ये यही रहती है। सारा? क्या हुआ राहुल? वो सारा अभी यही थी, मेरे साथ बैठी हुई थी, पता कहाँ चली गई। अपने घर गई होगी, और कहाँ जाएगी? पर वो गाड़ी से कब उतरी? मुझे तो कोई आवाज भी सुनाई नहीं गई। देखो अनीता, सारा गई जहाँ उसे जाना था, ये जगह बहुत सुनसान है, चलो यहाँ से निकलते हैं। कम ऑन अनीता, कम ऑन, लेट्स गो। देखो तो सही, ये नाइट कॉलेज लगता कौन सी क्लास में है।
कोई तो जरूर है यहाँ। कौन है? ये लाइट किसने बंद कर दी? मैं पूछता हूं कौन है? देर हो रही थी तो आप सब लोग कल की पिकनिक के लिए तैयार हैं? यस सर। ओके
तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को अर्थ स्क्वायर के बारे में बताऊंगा। ये तो आप लोग जानते हैं, पिछले हफ्ते वीरान गांव में कितना जबरदस्त भूचाल आया था, कितने सारे लोग मारे गए थे। पिछले हफ्ते वीरान गांव में भूचाल? क्यों, तुम्हें भूचाल के बारे में पता नहीं? अखबार नहीं पढ़ती तुम, न्यूज नहीं देखती? देखती हूँ सर। सर मगर वीरान गांव में भूचाल पिछले हफ्ते नहीं, 5 साल पहले आया था सर। 5 साल पहले? क्या पता? मजाक नहीं सर, 5 साल पहले आया था, 1995 में। देखो अनिका, भूचाल 1995 में आया था ये बात मैं तुम्हारी मान सकता हूँ, लेकिन भूचाल 5 साल पहले आया था ये बात तुम्हारी गलत है। वो ऐसे कि लगता है तुम्हारा कैलेंडर 5 साल आगे चल रहा है, क्योंकि हम सब के लिए तो ये साल अभी भी 1995 ही है। पूछो अपने साथवालों से। तारा बताओ, इस नादान बच्ची को अभी कौन सा साल चल रहा है? 1995 सर। पंकज कौन सा साल चल रहा है? 1995 सर। और ये देखो, ये आज सुबह का अखबार, वीरान गांव भूचाल में 500 लोग मारे गए, 25 अक्टूबर 1995। फायदा भी क्या है, अब भविष्य ही नहीं है तो लाइनें हो भी कैसे सकती है? लगता है मिस सनीता, तुम्हें यहां की कोई भी चीज ठीक नहीं लग रही, बट डोंट वरी, यहां सब कुछ ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? जी, मैं यहाँ नाइट कॉलेज में पढ़ती हूँ। आप किस नाइट कॉलेज की बात कर रही हैं? आपको टाइम मालूम है क्या हो रहा है? सुबह होने वाली है, आप जाइए यहाँ से। पर आप मेरी बात तो सुनिए। देखिए, ये जगह ठीक नहीं है, कल से यहाँ का वॉचमैन गायब है। वॉचमैन गायब है? मगर वो तो था। आप जाइए यहाँ से, जल्दी जाइए। यहाँ कैसे आ गई? सारा से पूछती हूँ। ये नाइट कॉलेज का क्या चक्कर है? उस रात मैंने यही तो छोड़ा था सारा को। हाँ तो कोई बिल्डिंग नहीं, कोई बस्ती नहीं। जी मैम साहब। भाई साहब, यहाँ कोई बस्ती या कोई बिल्डिंग है? नहीं मैम साहब, ये तो सारा जंगल है, यहाँ कोई नहीं रहता। तो फिर आप कहाँ से आ रहे थे? मैं तो रोज दूध देने इसी रास्ते से जाता हूँ, रास्ता शॉर्टकट पड़ता है ना। मुझे पूरा यकीन है कि
मैंने अपनी सहेली को यहीं छोड़ा था। पक्का यहाँ कोई नहीं रहता? जी नहीं, हाँ हो सकते है वहाँ कुछ घरवर हो। मैं पहले कभी गया नहीं, कब्रिस्तान है ना। मुझे प्रोफेसर मंदार से मिलना है, आप बता सकते हैं इस वक्त वो कहाँ होंगे? प्रोफेसर मंदार, कैसे जानती हैं आपने? सर मैं उनकी क्लास में पढ़ती हूँ, वो जो शाम को नाइट कॉलेज लगता है उसमें वही हमारी क्लास लेते हैं। What? क्या कह रही हैं आप? आइए इधर आइए, गौर से देखिए, इन्हीं प्रोफेसर मंदार की बात कर रही है ना? जी सर, मैं इसी क्लास में पढ़ती हूँ, ये सारे स्टूडेंट्स भी हैं, यही क्लास है। मैंने सिर्फ इस लड़के को पहले नहीं देखा। ये तो प्रतीश है। हाँ प्रतीश, इन सब में से अब केवल यही जिंदा है। तुम्हें मेरा पता कहाँ से मिला? कॉलेज से? तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें आत्माओं की कहानी लिखने का शौक है। प्रोफेसर मंदार मर चुका है मिस अनीता। यही बात तो कॉलेज में सर ने भी मुझसे कही थी। तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते हो? मैंने नाइट कॉलेज की क्लासेस अटेंड की है, मैं बैठी हूँ जाकर उन क्लासेस में बाकी स्टूडेंट्स के साथ। या तो तुम झूठ बोल रही हो या फिर मैंने आज कुछ ज्यादा ही पी रखी है। मैं सच बोल रही हूँ, तुम प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है। मेरा यकीन करो, प्रोफेसर मंदार को मैंने क्लास में देखा है अपनी आंखों से। प्रोफेसर मंदार की मौत मेरे आंखों के सामने हुई थी। पांच साल पहले हमारी सारी क्लास पिकनिक पर जा रही थी। मैं गैराज में काम करता था, इसलिए मैंने मिनी बस का इंतजाम किया था और मैं ही। बाकी सब लोग कैसे? लगता है कोई नहीं बचेगा। आप किस्मत वाले हैं कि आप बच गए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तरह तुम्हें भी हमारे साथ मरना चाहिए था प्रतीश। बेचारे के गर्दन की हड्डी टूट गई, पूरी गर्दन ही घूम गई।
सब मारे गए, कोई नहीं बचा, और ये सब मेरी वजह से हुआ। दरअसल मुझे ही ठीक से बस चलानी नहीं आती थी। जिन लोगों की कोई गलती नहीं थी वो सब मारे गए, और जिसकी गलती थी वो बच गए। और उस दिन से कॉलेज में नाइट क्लासेस लगने बंद हो गए। और तुम ही बताओ, जो लोग मर चुके हैं तुम उनसे कैसे मिल सकती हो, और कैसे तुम वो नाइट कॉलेज अटेंड कर सकती हो जिसे बंद हुए 5 साल हो चुके हैं। मगर मैं उन लोगों से मिल चुकी हूँ, और यही नहीं, जैसी पिकनिक की तुम बात कर रहे हो वैसी ही पिकनिक पे हम भी जाने वाले हैं। क्या, कब? आज ही। आज? आज 26 अक्टूबर है ना? हाँ, तो आज से 5 साल पहले आज ही के दिन हमारे बस का एक्सीडेंट हुआ था। ओह माय गॉड, क्या हुआ? वो राहुल को पिकनिक में जाने से रोकना होगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। प्रतीश, राहुल की मोटरबाइक। इसका मतलब वो लोग यहाँ से निकल गए। उस शाम हमारी बस ठीक 7 बजे निकल गई थी, तो आज भी 7 बजे निकल गए होंगे। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, तुम गाड़ी में बैठो जल्दी। हम लोग जा कहाँ रहे हैं? पिछले 5 साल से आज ही के दिन उसी जगह जहाँ हमारे बस का एक्सीडेंट हुआ था एक आदमी की लाश जरूर मिलती है। जानती हो, उस लाश पे चोट के निशान होते हैं, थोड़ी सी जली होती है, ऐसा जैसे उस आदमी का कोई एक्सीडेंट हुआ हो। पर उस लाश के अलावा वहां और कुछ नहीं मिलता। अगर मेरा शक ठीक है तो आज हमें उस जगह राहुल की लाश जरूर मिलेगी। इंतजार और करना चाहिए था, अनीता भी आ जाती हमारे साथ, अब वो कितना नाराज होगी, हम उसे वहां पर ऐसे ही छोड़ा है। जो होना होता है वो होके रहता है राहुल, हर चीज का एक समय होता है, और हम लोगों के जाने का समय हो चुका था। समय किसी का इंतजार नहीं करता। मैं काम करता हूँ कि फोटोग्राफ से खींच लेता हूँ, बाद में अनीता को फोटोग्राफ से दिखा दूंगा। फोटो ना ही खींचे तो बैठ। सर प्लीज, बस एक फोटोग्राफ सर प्लीज। आप सब लोग इधर देखिए, यस, ये फोटोग्राफ ऐसा कैसे है? तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? और आप सब लोग इतना चुप क्यों? गराड़ घाट आने वाला है, आप लोग जानते हैं ना गराड़ घाट आने पर क्या होने वाला है। हमारा एक्सीडेंट गराड़ घाट में हुआ था, हमें किसी भी हालत में बस को वहां पहुंचने से पहले रुकना होगा। बस नजर आए तब ना, तुम्हें पूरा यकीन है रास्ता यही है? हाँ। तुम जानते हो जब से मैं उस क्लास में गई हूँ वहां सबको मैंने सिर्फ तुम्हारी बातें करते हुए सुना है। I mean, पूरी क्लास तुम्हारा इंतजार कर रही है। प्रतीश, मुंह देखो सामने बस। ये तो अनीता की गाड़ी है, ड्राइवर गाड़ी रोको। ओह माय गॉड, सर प्लीज सर कुछ करिए सर, गाड़ी रुकाइए। मुझे नहीं लगता ये बस रुकने वाली है। ये तो
लोगों को मेरा इंतजार था, इनका इंतजार खत्म हुआ। मुझे इस गाड़ी में नहीं जाना, मैं यहीं उतर रहा हूं। अब तुम कहीं नहीं जा सकते राहुल। अब जहां हम जा रहे हैं तुम्हें भी वहीं जाना होगा। सर इसे जान दीजिए, सर इसकी क्या गलती है? तो तुम आ ही गए प्रतीश, तुम्हारे बिना हमारी ये क्लास अधूरी सी थी, अब पूरी हो जाएगी। पर सर राहुल तो हमारे क्लास का हिस्सा नहीं था। अब राहुल हमारे इस नाइट कॉलेज का एक हिस्सा बन चुका है और वो इस बस में भी है, वो कहीं नहीं जा सकता। सर इसकी कोई गलती नहीं है, प्लीज सर से छोड़ दीजिए सर, प्लीज। बस एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। राहुल, राहुल, क्या हुआ? अनीता, ये सब क्या हो रहा है? वो प्रतीश, उसने अपनी जान पे खतरे में डाल दी, मेरी जान बचाई। राहुल, राहुल मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, तुम गाड़ी में बैठो, हमें उस बस को रोकना है। बताओ तो सही, ये हो क्या रहा है? साल पहले होना चाहिए था वो आज हो गया। आज के बाद इस रास्ते में कभी किसी की लाश नहीं मिलेगी। बस कहां गई? एक अजीब सपना सा लगता है। इस खाली कमरे को देखकर उन सब की याद आती है। कौन कहेगा कि यहां कभी नाइट कॉलेज लगता था, आत्माओं का नाइट कॉलेज। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।